सुमन, अरे भैया चलिए चलिए सुमन, चलिए सुमन यादव का बॉलर, चलिए तो मैच की शुरुआत करिए सुमन यादव पहले गेंद पे चलेंगे, कौन डाउन शुरू करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले, गेंद पे जो छक्का है देखिए भाई का तेरी राउंड है, और कितने रन से राउंड है मैं फैसला करूंगा, लाइन के लिए वाइड बॉल है और वाइड के साथ खाना खुल चुका है, अगर पहले बॉल पे छक्का या विकेट आता है तो लक्ष्मी मेडिकल साली चौक एक से एक छक्का पर विकेट पर दर्शन हुए, अगर छक्का आता है तो एक से एक विकेट आएगा पर दर्शन हुए, पहली गेंद पर ये वाइड बॉल थी, अगर पहली गेंद पर छक्का आएगा या विकेट होगा तो सारी लक्ष्मी मेडिकल साली चौक के तरफ से ₹100 का इनाम छक्के पर और विकेट पर ₹200 का इनाम, चलिए तो देख रहा है क्या पहली गेंद पर छक्का या विकेट आता है, चलेंगे सुमन मेडी और ये क्या फिर से वाइड है, ये जी हां बैक टू बैक एक दूसरा वाइड बॉल डाल चुका है सुमन यादव ओपीडी, तो दो रन अपील के सारे सोचा पहुंचा है, अभी भी मौका है नजारे के पास और सुमन यादव के पास, नजारे के पास और सुमन यादव के पास अभी भी मौका है, पहली गेंद पर अगर छक्का होगा एक से एक विकेट होगा दर्शन, छक्का आ चुका है लक्ष्मी मेडिकल साहि चौक की तरफ से नजारे ने से रुपए का बिल दिया है, और भैया अपना कॉल यहां से जरा क्लियर कर लीजिए, हाँ भाई थोड़ा बैंगिंग करेगा अभी थोड़ा सेटिंग कर रहा है स्कूल का, भैया आपसे रिक्वेस्ट है काम करिए भैया, हेलो आप यहाँ से आता क्या आप बुलेट लगाए हुआ है उधर ले जाइए क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब होगा कलेक्टर में, प्लीज ओके सॉरी सुमन यादव नजारे ने इस बार रोवर कवर गेंद को भेजा है, गेंद आ रही है सीधा रेखा से बाहर, रवि मिश्रा जी ये लीजिए काफी शानदार डिसीजन आता है रवि मिश्रा का, 4 रन का इस 4 रन से उसको खेल बचा है 12 रन और बगैर नुकसान के, यहाँ पर एक और इनाम की घोषणा हुई है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति बरुराज विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार भारती प्रखंड अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ये नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति बरुआज विधानसभा 96, चलिए तो रोहित ठाकुर जी की तरफ से इनाम आया है मिश्रालिया निवासी मोतीपुर, क्या इनाम है हार्दिक चौका पर ₹500 का इनाम, ₹500 का इनाम केदार ठाकुर जनता कॉलेज केदार ठाकुर जनता कॉलेज पर 650 भैया
चलिए शुभम यादव गेंद है और ये क्या वाइड होगी। जी हाँ, अभी भी फ्री हिट बरकरार है। स्कोर इस तरीके से इसको दो पहुंचा। चौदह और अगली गेंद होगी फ्री हिट और शुभम यादव की अगर बात करें तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में काफी लोगों का नाम है। बहुत जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है शुभम यादव। शुभम यादव चलेंगे प्रेड गेम के लिए सामने करेंगे नजारे। अच्छी गेंद डॉट बॉल फ्री हिट गेंद टॉप डिलीवरी ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बहुत आगे चल रहे हैं 22 रन 7 विकेट। साथ ही साथ सरफराज बाहुबली 99 रन 2 विकेट और विशाल सिंह 5 विकेट। तो ये तीन खिलाड़ी हैं जो अभी मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं। आज देखना है कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके जो इनाम रखा गया है गैलेक्सी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जिसके तरफ से मैन ऑफ द सीरीज डॉक्टर जहीदुद्दीन साहब की तरफ से एलईडी टीवी इनाम रखा गया है। वो कौन से खिलाड़ियों के जो इस इनाम को जीत पाएंगे। फिलहाल एक बार मैं आप सभी को अपने स्पॉन्सर से रूबरू करा दूं। हमारे टूर्नामेंट के काफी अहम स्पॉन्सर माइंड इंटरनेशनल स्कूल का राज बरन चौक हसनैन सिद्दीकी सर जिनकी तरफ से रनर बाइक इनाम में दिया जाएगा। वतन टीवी सेटल मोबाइल देवरिया पेट्रोल पंप हरिम प्रसाद यादव श्री हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर मोतीपुर सरैया रोड डॉक्टर सुभाषा कुमारी एमबीबीएस एल सी पटना एमआरआई लोकसान फर्नीचर दिग्विजय नारायण गुप्ता एंटरप्राइजेस बलराज बरन चौक सुमित कुमार एसके ट्रेडर्स संतोष कुमार एसपी गुप्ता सनन रेड के अमित कुमार किशन जांच केंद्र इंदू नैयर कमल पूनम साड़ी सरजूरा लाल साहब जैना डायरेक्टर है जितेंद्र कुमार राहुल जनरल स्टोर एंड उसके गिफ्ट कॉर्नर राहुल कुमार साई मोबाइल दुकान अंशु कुमार हार्दिक गिफ्ट कॉर्नर एंड जनरल स्टोर और अन्य कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर प्रादर लिमिटेड खुशवर आलम और नंदिनी मेडिकल हॉल मोतीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप राज चंद्रभूषण कुमार और पिंकू मंडल जी और साथ ही साथ हमारे टूर्नामेंट के काफी अहम स्पॉन्सर श्री तारकेश्वरनाथ टेंट हाउस जिनकी तरफ से शानदार लाइट और साउंड टेंट की व्यवस्था की गई है। तो दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं विशाल सिंह इंडिया कप के सुपर ओवर मेरे बेटा डालने वाले गेंदबाज विशाल सिंह आए हैं गेंदबाजी में सामने अनस से। आज का ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज एक भी कोना एक भी इंच खाली नहीं है दर्शकों से ग्राउंड का। ये ग्राउंड चारों दिशाओं में दर्शकों से खचा से भी खचा खच रहा हुआ। पहली गेंद अनस से पहली गेंद टप्पा करने का उछाल लेती हुई देखा टप्पा संधा जाने दिया विकेट कीपर कप्तान राघवेंद्र के लिए कोई छेड़खानी नहीं की इस गेंद के साथ। स्कोर अभी बढ़ गया 14 रन विकेट नुकसान के एक पारी का दूसरा ओवर प्रति पर और इस टूर्नामेंट में आज बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड बादल सिंह के द्वारा दिया जाएगा। इस चौहान कोचिंग सेंटर इस चौहान कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बादल सिंह उनकी तरफ से बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड भी आज दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं लक्ष्मी मेडिकल साहिब चौक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली गेंद पर छक्का लगने पर या विकेट लेने पर 200 रुपए का जो इनाम रखा था है तो बहुत बहुत धन्यवाद उस लक्ष्मी मेडिकल साहिब चौक। फिलहाल एक रन और अब स्ट्राइक पे होंगे अगर जो भी बल्लेबाज आज शतक लगाएंगे लक्ष्मी मेडिकल साहिब चौक की तरफ से 700 रुपए का इनाम। शतक यानी 700 शतक लगाइए 700 पाइए। चलिए विशाल यादव इस ओवर की चौथी गेंद के साथ सामना करेंगे नजारे क्या आज शानदार नजारा इस फाइनल मुकाबले में दिखा पाएंगे। 6 गेंदों का सामना किया है 10 रन बनाकर खेल रहे हैं नजारे। चलेंगे विशाल सिंह विशाल सिंह थोड़ा सा लंबा लंबा पंगा होता है किसी बना सकता है बार बार करता है लेकिन नजारे के लिए बैट की कलम पर अपने चुन के दे रहा है। ओके चलिए फिर से विशाल सिंह और शेयर कीजिए आप लोग के लिए स्कोरिंग बोर्ड भी लगे हुए हैं।
यानी कि
आए थे। राजा बंजर दिखा है जो शुरुआत को दिलाई है, तीसरे ओवर के प्रति पर 22 रन स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर, और आज जो भी टीम भेजता होगा उसको मिलेगा एक चमचमाते हुए नई बुलेट बाइक, और रनर जो टीम भी उनको मिलेगा टीवी से स्टार बाइक जो रहता है टीवी से स्टार बाइक। तन्वी सॉरी ये माइन नंबर नेशनल स्कूल गैराज में आ गया है बुलेट, आ गया है मोहम्मद आलम जी, आ गया है बुलेट। जय श्री राम शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। और ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुछ ऐसे हमारे बिहार के कमेंटेटर लोगों में फॉलो करता हूँ, बाकी आप जानते ही हमारे आदर्श जो रेडियो कमेंटेटर संजय बनर्जी है उनका मैं और यहाँ पर खड़ा हो सकता है, लेकिन बाबा बच्चे थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद, लेकिन वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और एक विकेट का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। नजर एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करेंगे, बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल हो गया प्रकाश, और ये एक अप्रैल 2024 अगले साल का इंतजार करना होगा इस तरह का ग्रैंड फिनाले महामुकाबला, घमासान मुकाबला, और दोनों ही टीमें काफी मजबूत है दोस्तों। एमएस सुशीलगंज और करीम अलवेल मधुबनी, जिनकी क्या तारीफ की जाए, जो उन्होंने मुकाबला जीत करके आया है क्वार्टर फाइनल यानी नॉकआउट मैच सेमीफाइनल। ओके दिखाएंगे भाई, थोड़ा स्कोरिंग अपडेट करने में लगे हुए हैं, जरूर दिखाएंगे भाई, थोड़ा स्कोर अपडेट करने में लगे हुए हैं। नहीं आया भाई, उन्होंने सिलेक्ट नहीं आया आज, नहीं आया है नहीं मालूम है भाई क्या हो गया बेचारे को। थैंक यू भाई, थैंक यू शुरू हो रहा है केसरिया में, केसरिया
सहारनपुर में बहुत ही बड़ा नाइट का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। शेयर लगाइए आप लोग, शेयर लगाइए भाई लोग, शेयर लगाइए। सहारनपुर सीजन टू जिसमें वाजी नासिर जी देख रहे हैं, दुबई से बहुत धन्यवाद दुबई से सुनने के लिए भाई। आप लोग एक शेयर लगाइए। तो इस तरह से सूरत हाल ये है, यहाँ पर देखा जाए तो एक और अच्छा नंबर किया है ऑफसाइड बच्चे जी के साथ, यहाँ पर रन चुराने चाहा और रन ले भी लिया है, इसे कहते हैं आपको से काजे चुराना, यदि रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ एक रन के साथ रनों का योगदान पहुंचा है 26 दो विकेट के नुकसान पर। रैंसल यहाँ पर दो दो महत्वपूर्ण विकेट गिरे हैं, ये यहाँ पर उनको थोड़ा सा खलेगा क्योंकि इस समय इस स्थिति में विकेट नहीं गिरने चाहिए थे, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही कलात्मक बल्लेबाज दिख रहे थे, लेकिन आगे ने उनका साथ नहीं दिया। और संदेह भैया ये तो आप खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आज आप दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, दर्शक के दर्शक आए हैं आज, आज मुझे लगता है इस ग्राउंड में लगभग 10,000 प्लस दर्शक यहाँ पर जरूर मौजूद होंगे अगर एक ही दर्शक को गिना जाए तो, क्योंकि ये जो ग्राउंड है बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर खेल का मुकाबला हो नाइट का मुकाबला हो दर्शक काफी आते हैं मैच देखने, और आज मुझे लगता है इस मुजफ्फरपुर जिले में नाइट मैच सबसे बेहतरीन। तो देखिएगा स्कोर बोर्ड एडजस्ट है, ये देखिए देखिए बाहर स्कोर बोर्ड देख लीजिए भाई, एडजस्ट हो गया। तो कमाल के दर्शक का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, इसी में चलिए मिसाल सारे इस गेंद को लगता टांगना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले ने संपर्क नहीं बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन पर विकेट के नुकसान पर। और प्रियांशु जी दर्शकों की ही बात कर रहे हैं आप, और बलवान वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा भव्य टूर्नामेंट अभी तक न हुआ था भाई, हाँ समझ हो गया। काफी खराब स्थिति नहीं कही जाएगी करीब का,
करीम 11 मधुबनी के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और निर्णय कितना सार्थक होता है वो आगे देखना बाकी है क्योंकि अभी पूरा मैच बाकी है। प्रीवियस दो तीन मैचेस जो हुए हैं उसको देखते हुए आ रहा है भाई यूट्यूब पर लाइव आ रहा है ना और हर डॉट बॉल पर एक पैर लगाए और गेंद को क्लाइम के सारे कौन सा के मोड़ता है यहां पर तेजी के साथ थ्रो किया लेकिन बॉल बॉल बचे यहां पर और सजा भी आपका टाइम सर पर रघुवीर यादव का रिएक्शन देखिए उन्हें पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं सारे और उनका नाम आपने छुआ है तो कप्तान एग्रेसिव मुन्ना भाई थोड़ा बताइए कि आपके स्कोर बोर्ड लिखने में लिख लग रहा है दर्शक काफी आए हुए हैं। आज 15 लोग का मैच है भाई। दर्शक
काफी आए हुए दर्शक। ओम साई मोबाइल दुकान अंशु कुमार हार्दिक गिफ्ट कॉर्नर एंड जय के दर्शक काफी दर्शक आए हुए हैं। नंदनी मेडिकल हॉल मोतीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बराज चंद्र भूषण कुमार उर्फ मंडल जी शाह इंटरप्राइजेज मुकद्दर शाह और श्री तारकेश्वर नाथ गेस्ट हाउस थाना चौक पर राज पुष्पांजलि स्वीट हाउस जिसके प्रोप्राइटर रविंद्र प्रसाद राय जी डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर मुकाबला महामुकाबला घमासान मुकाबला ब्लैक कप 2024 और ये नजारे के पाले में गेंद थी खूब करने का पूरा प्रयास लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर अंपायर अमजद अली का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का और एक अजनीत के खाते में इजाफा होता हुआ वाइड बॉल का इशारा आता हुआ गेंदबाज का नाम बताएंगे 66 नंबर की जर्सी हमारे करीब खड़े हैं बॉलर का नाम बताएंगे हेलो हेलो जुनेद अली जी हेलो हेलो भाई तो आज कुछ नया कर रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है आज और हमारे सतीश जी पूरी निगरानी में लगे हुए हैं हमारी कमेटी के सारे मेंबर गुरबाज के नहीं हुआ है भाई बिट्टू का आउट नहीं हुआ अभी बिट्टू का आउट नहीं हुआ है गेंदबाज का नाम बताएंगे थोड़ा सा प्रज्वल 23 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं प्रज्वल ऐसा बात नहीं है भाई बैटिंग खराब हो रहा है और ये गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई से जाती हुई बाकी का काम विकेट कीपर ने किया बहुत बहुत धन्यवाद एमडी सोनू जी बहुत धन्यवाद दो विकेट के नुकसान का थैंक यू भाई थैंक यू एक गेंद हुई अभी तक और नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर राघवेंद्र कलेक्ट नहीं कर पाए इसे एक और डॉट बॉल जाता हुआ प्रज्वल गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है अब कमाल का भार किन के ऊपर है और ये बहुत ही तेजी के साथ गेंद निकली है और अंपायर का इशारा पूरी तरह से नजारे का खेल यहाँ पर खत्म होता हुआ और एक इस तरह से तीसरे विकेट का पतन हुआ काफी निराश लोगों से नजारे अपने डगआउट में लौटे हैं और इनको भेजा है प्रज्वल ने काफी सदी में गेंदबाजी कर रहे हैं और कसी में गेंदबाजी कर रहे हैं और यही करना ही होगा एमएससीसी फॉरवेशगंज को और निश्चित तौर पर एक इनाम की घोषणा हुई है भैया हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को सोनी वीडियो के मुन्ना ठाकुर जी इनके तरफ से 1100 का इनाम आया है विकेट के नुकसान पर पारी का छक्का
आपको
खुल करके खेलिए, नेचुरल गेम खेलिए, किसी भी ये कह दीजिए तो यहाँ पर लगे गेंद यहाँ पर पैड से टकराई, कोई रन नहीं मिलेगा। खासियत है शुभम के बीच बीच में जो शानदार यॉर्क कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ गेंदबाजी शुभम के द्वारा जी। जैसे कि गेंदबाज है, हमें लग रहा है कि इनके आदर्श जो होंगे बुमराह ही होंगे। आपका लाइव मैच चल रहा है अपनी जगह, और साहिल मंसूरी, साहिल मंसूरी जहां भी है भैया।
संजय भैया भाग उदा नहीं हो रहा है, थोड़ी दुख की बात है, लेकिन हो सकता है अगले सीजन में कहीं कोई दिख जाए। जी अगर प्रगति पे 45
हैं बैटिंग कार्ड में बाहुबली। Yeah, we're going to be talking about the bottom of the world.
बकवास हो रहा है मैच आप लोग एक शेयर लगाइए ये मैच फेसबुक यूट्यूब दोनों पर चल रही है तो आप लोग अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिए और शेयर जहाँ शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग क्योंकि मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर दोनों हूँ सो आप लोग को नया नया टूर कराऊंगा बहुत अच्छा घुमाऊंगा सो आप लोग अपना प्यार प्यार बनाए रखिए और देखिए काफ़ी दर्शक आए हुए हैं दर्शक खचा खच भरा हुआ मैदान देख सकते हैं आप लोग दर्शक काफ़ी आए हुए हैं देखिए देखिए तनवीर बाबू का कैच कैच होना मुख्य बराबर पड़ेगा जैसे ही कैच होगा तो अगले ही गेंद पे मिड विकेट की तरफ से शानदार छक्का लगाया था छह विकेट शेयर कीजिए भाई लोग
बाहर। हेलो पिंकी, हेलो नौसाद जी, हेलो हेलो भाई, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है भाई, क्या आपके बाबा बुला रहे हैं। प्रियांशु जी, हमने अंपायर रवि मिश्रा जी को इस टूर्नामेंट में चार बार फंसते हुए देखा है। उनका ये दशा है, बैक टू द बॉल खेला, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल जाता हुआ। आशिक भाई, माहौल यहाँ पर गर्माहट है माहौल में, लेकिन बल्लेबाजी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए बल्लेबाज को यहाँ पर? नहीं भाई, बिट्टू मैक्सी नहीं आ पाए हैं, नहीं आ पाए हैं बिट्टू मैक्सी। रुका नहीं है, दोनों इस मैच को धीरे धीरे चला रहे हैं बड़े टोटल स्कोर की तरफ। अगर यहां से 120 आए तो एक शेयर लगाइए, शेयर लगाइए, काफी कम लोग जुड़े हुए हैं, शेयर लगाइए। फाइनल मुकाबले का जो दबाव है वो दिखता है दोनों टीम के खिलाड़ियों पे। नीचे रहते हुए गेंद को इसे हुक करने का प्रयास किया था, हालांकि बॉल और दाएं ओवर के समाप्ति पे स्कोर स्पॉन्सर लैंड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर
ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल जिनके द्वारा हमारे स्टूडेंट को काफी बड़ा स्पॉन्सरशिप मिला है। स्टूडेंट का बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप रनर बाय टीवीएस स्कूल ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल पटेल सर का आगमन होता हुआ हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत है सर का। और इस बार अंदर की तरफ आते हुए गेंद नीचे रही थी, बल्ले का किनारा लेकर पहुंचे सीधे राघवेंद्र यादव कप्तान उनके पास जितना गेम खेल गए। तो जैसा कि आसिफ भाई बोल रहे थे कि बल्लेबाजी कोई भी बल्लेबाजी होती है तो बल्लेबाज का रन काम करते हैं इसको हर एक रन दो रन तीन रन, लेकिन और ये खेल दिया उसका लेकर अंपायर के बगल से यहाँ पर डेढ़ विकेट के क्षेत्र में एक रन मिलेगा। यहाँ पर आसिफ भाई मैं ये कह रहा था कि जब सरफराज बाहर गली आते हैं तो उनका एक रन दो रन काउंट नहीं होता है, एक छक्का दो छक्का तीन छक्का चार छक्का ऐसे ऑडियंस ऑडियंस बैठ कर काम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो यहाँ से अभी 24 गेंदों का खेल शेष है और रन हो चुके हैं 70 रन, 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 70 रन 6 महत्वपूर्ण विकेट करीब 11 पवेलियन वापस लौट चुके हैं। यहाँ से बचे 24 गेंदों में अगर दोनों बल्लेबाज मैक्सिमम 50-60 रन की तरफ तो जाना ही होगा, पल्ला चलाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अगर यहाँ से 120 रन भी मारेंगे तो एक अच्छा टोटल फाइटिंग होगा। हाँ बिल्कुल, आपने आपका जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि बॉल की मांग हो रही है टॉस के वक्त बॉल की मांग हो रही है, टोटल स्कोर कितने हो गए हैं? 70 रन हुए हैं, 11 ओवर की समाप्ति हुई है। सभी के सभी दर्शक खामोश बैठे हुए हैं और हमारे श्री दर्शक काफी संख्या में जो हमारे स्पॉन्सर है माइंड पब्लिक स्कूल जो हमारे स्पॉन्सर है और माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर है। और केजीआर नहीं है। बड़ी हिट कम
नाम हो रही है हमारे लेग अंपायर के द्वारा। प्रज्वल भाई कैच कौन लिया था नाम बताइए ना। बाबू बाबू बनारस को मुझे लगता है गेंदबाजी कर रहा है क्या। कॉलर पिसा है और कैच कौन लिया थे बाबू या प्रज्वल। प्रज्वल लाल बॉल बटी हेलो हाँ भैया विशाल ने बातचीत कराया है इस गेम पे। हालांकि थोड़े से दिशाहीन हो चुके थे दो बाउंस किए थे और इस बार हाथों से खेला है शॉट पहले की तरफ आसानी के साथ दोनों ने छोड़ दिया। इसी गल की सहायता से स्कोर 85 रन 7 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कड़ी मेहनत से मजबूत बनी गई टीम। एक बार रोलिंग स्कोरिंग साउंड सरप्राइज हो गई 63 नंबर जैसे पहले Oh!
रहा मेरे को, बात समझिए ना। ओके मैं मुंह से बोल दूंगा, कहा कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं। रन हुआ 93 रन हुआ भाई लोग, 93 आठ ओवर, 93 रन। विल पावर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर गजेंद्र सर, इनके तरफ से हार्दिक विकेट लेने पर एक हार्दिक चौका पर 1000 का इनाम। जी हमारे बीच जी, हेलो हेलो हेलो, आप लोग शेयर कीजिए भाई साहब, जब कुछ देर में आगमन ऋतु जायसवाल लोकसभा प्रत्याशी सीनियर और अरुण जायसवाल पूर्व IAS और प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल बिहार क्षेत्र का विधानसभा राहुल सरकार जी, बस कुछ देर में हमारे बीच प्रसिद्ध हमारे आज के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि बाबू बनारस, बाबू बनारस इस बार की चौथी गेंद लेकर चलेंगे सामना करेंगे सलमान मिर्जा, पारी में 13 का कृत्य पर इसको 94 विकेट। जैसे बिट्टू यादव अगर ये खेलेंगे तो यहाँ से कम 20-25 रन जोड़ लेंगे आसानी के साथ।
ऐसा कोई बात नहीं है भाई कि थ्रो मर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपनी हरकत कर रही है बॉल के साथ, क्योंकि बॉल जैसे टप्पा खा रही है, स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, और गेंदबाजी इतनी धारदार हो रही है, बहुत ही काबिल तारीफ, दर्शकों को भी मजा आ रहा है। जी हां संजय भैया, सही बात है, यहां पे आपको लंबा विकेट लाने से परहेज करना होगा, आपको 12 गेंद कैसे भी खेलेंगे, आपको सरकार है पहले के लेकर चलेंगे। सेकंड पारी भाई लोग जुड़ते हैं आप लोगों को फिर से।